रक्षाबंधन से जुड़ी कहानी। रक्षाबंधन से जुड़ी कई सारी कहानियाँ हैं। उन्हीं कहानियों में से जुड़ी एक कहानी भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की। ये कहानी उस समय की है जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था और रिश्ते में पांडवों कौरवों का भाई था। शिशुपाल बहुत अहंकारी था और वो हमेशा श्री कृष्ण को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। यज्ञ के दौरान शिशुपाल ने श्री कृष्ण का पूरी सभा के सामने बहुत अपमान कर दिया, जिसकी वजह से श्री कृष्ण को गुस्सा आ गया। श्री कृष्ण ने शिशुपाल की माता यानी अपनी बुआ को वचन दिया था कि वो शिशुपाल को 100 गलतियों को भी माफ कर देंगे, लेकिन जब शिशुपाल 101 भी गलती करेगा तो उसे दंड भुगतना पड़ेगा। अपने अहम में डूबा शिशुपाल ये बात भूल गया और कृष्ण के अपमान करने के साथ ही उसकी गलतियां 100 से ज़्यादा हो गई। गुस्से में श्री कृष्ण ने अपना उंगली से सुदर्शन चक्र निकाला और शिशुपाल का सर उसके शरीर से अलग कर दिया। सुदर्शन चक्र जब वापस उनकी छोटी उंगली में आया तो लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण की उंगली थोड़ी सी कट गई और रक्त बहने लगा। द्रौपदी ने जैसे ही यह देखा तो उसने रक्त रोकने के लिए तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली में बांध दिया। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि इस कपड़े का एक एक धागे का कर्ज वो चुकाएंगे और हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। द्रौपदी चीरहरण के समय उन्होंने अपना वचन निभाया। जिस दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की उंगली से साड़ी का पल्लू बांधा था वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था। इसी दिन हम हर साल रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को शेयर कर दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।